हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर किशोर, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा एकेडमिक सेशन 2023-24 में पैरामेडिकल मास्टर कोर्सेज 2 ईयर्स के लिए कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए इंफॉर्मेशन प्रोसेस जो जारी किया गया है, इस संबंध में हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके के अपडेट्स और इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोर्सेज के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज में ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ। तो कोर्सेज है इसमें मास्टर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस जो कि 2 ईयर्स का है, मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री 2 ईयर्स, MSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स, MSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी 2 ईयर्स, मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी 2 ईयर्स। तो इन सभी मास्टर प्रोग्राम्स में ये कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं आप अपने अपने मास्टर प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 1 जून 2023। एडमिट कार्ड ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल होंगे 9 जून 2023 से एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा वो 18 जून 2023 को होगा। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड में बताया जाएगा और रिजल्ट जो है वो भी वेबसाइट पे अनाउंस किया जाएगा। नाउ इस इंफॉर्मेशन ब्राउजर को आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.avvmuup.edu.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं और सभी जनरल कंडीशंस को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नाउ अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो देयर आर टोटल 19 एग्जामिनेशन सेंटर्स इन उत्तर प्रदेश। नाउ आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी, इन शहरों में एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। जो भी कैंडिडेट्स हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन ही सबमिट होंगे, किसी और दूसरे मोड में नहीं। अगर हम फीस की बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट की फीस है ₹3,000 है अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट्स के लिए, और ₹2,000 फीस है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए जो कि नॉन ट्रांसफरेबल है। एज की हम बात करें तो मिनिमम एज फॉर एडमिशन 17 ईयर, तो कम से कम एज 17 साल होनी चाहिए। नो अपर एज लिमिट, अपर एज की कोई लिमिट नहीं है। और इसमें कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए, एजुकेशन एलिजिबिलिटी, वो हम देखें तो मास्टर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के लिए कैंडिडेट्स के पास बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस होना चाहिए विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट के साथ। मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री के लिए कैंडिडेट्स के पास बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री होनी चाहिए 50% एग्रीगेट के साथ। MSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए कैंडिडेट्स के पास BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी या BSc एनेस्थीसिया विद मिनिमम 50% एग्रीगेट के साथ होनी चाहिए। इसी तरीके से MSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए कैंडिडेट्स के पास BSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी या फिर BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग या फिर BSc रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी या फिर BSc इन रेडियोग्राफी या फिर BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे विद मिनिमम 50% एग्रीगेट के साथ होनी चाहिए। मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए कैंडिडेट्स के पास बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी होनी चाहिए विद 6 मंथ कंपलसरी इंटर्नशिप और 6 महीने की कंपलसरी इंटर्नशिप के साथ 50% एग्रीगेट के साथ VBT होनी चाहिए। और मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए कैंडिडेट विद बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी होना चाहिए विद 6 मंथ कंपलसरी इंटर्नशिप विद मिनिमम 50% एग्रीगेट के साथ। तो आप सब अपनी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद
एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी सबमिटेड थ्रू द ऑनलाइन मोड बाय वेबसाइट। एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए आप संस्थान की वेबसाइट www.abvmuup.edu.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और तो इसमें ये सभी जनरल कंडीशन दिए हैं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए, आप इनको रीड कर सकते हैं और अच्छी तरह समझ के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। नाउ मैं हाँ, इसमें ये फ़ोटो के सिग्नेचर के सभी तरह की कंडीशन दिए हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं। ओके, हम अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 18 जून 2023 संडे के लिए, और जिसमें कि 11 से 2 बजे तक होगी 180 मिनट की, यानी कि 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा जो कि एडमिट कार्ड में और एग्जामिनेशन सेंटर एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। इसमें हम हाँ मोड ऑफ एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश होगा, ये इसमें हिंदी में पेपर नहीं आएगा, मीडियम एग्जामिनेशन इसमें इंग्लिश है। और देयर विल बी 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहाँ पर 200 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो क्वेश्चन पेपर विल बी इन 3 सेक्शन, सेक्शन ए बी एंड सी। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 3 सेक्शन में होगा, ए बी एंड सी। तो जिसमें कि ए में 100 क्वेश्चन होंगे, बी में 50 क्वेश्चन होंगे और सी में 50 क्वेश्चन होंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो जनरल के लिए 50% है, जनरल PWD के लिए 45% है, SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए 40% एग्जामिनेशन में होने चाहिए। और बाकी ये सभी जनरल कंडीशन हैं जिनको आप कर सकते हैं। तो ये था UP में पैरामेडिकल मास्टर कोर्स के लिए इंफॉर्मेशन। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like and subscribe my channel.